Hello everyone. In this video, we are going to study class 11 biology chapter number 2, biological classification. Let us start with this chapter. So it was Aristotle who has first started the classification on the basis of morphological characters. Morphological character means physical appearance, and he classified plant into tree, shrubs and herbs. इन्हें क्लासिफिकेशन की शुरुआत जो है वो एरिस्टोटल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कर दी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ फिजिकल कैरेक्टर्स देख देख के क्लासिफिकेशन करा था और उन्हें प्लांट को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया. प्लांट्स जो अर्थ के ऊपर दिखाई देते हैं, ट्रीज, हर्ब्स एंड शर्ब्स एंड एनिमल इंटू टू ग्रुप्स. वन इज एनिमेलिया, अनदर वन इज इनिमेलिया. यानी एक जो रेड ब्लड के रेड ब्लडेड होते हैं उसे विदाउट रेड ब्लड. क्या इनिमेलिया विद रेड ब्लड है एंड एनिमेलिया इज विदाउट रेड ब्लड. देन फर्दर इट वॉज लिनियस हु स्टार्टेड क्लासिफिकेशन, मॉडिफाइड एरिस्टोटल क्लासिक मोड ऑफ क्लासिफिकेशन एंड प्रपोज टू किंगडम क्लासिफिकेशन. एंड ही सेड देयर आर टू किंगडम्स, वन इज प्लांटी, अनदर वन इज एनिमेलिया इन 1758. He divided all the organism into two groups. Plantae, inside the plantae he kept algae, fungi, bacteria, bryophyta, pteridophyta, spermatophyta. Inside animalia he kept Coelenterata, porifera, platyhelminthes, cod mollusca, nemehelminthes, annelida, echinodermata and chordata. But still this mode of classification of Linnaeus was also not satisfactory. Now let us see why the classification is needed. We know there are large number of organisms on the earth and studying each and every organism is very difficult. Classification also helps in knowing the relation among the different groups of organism. It also helps to identify the evolutionary relationship between the organism. That is why scientists started doing classification. Now why? As we have seen, Linnaeus has classified plantae organisms into two kingdoms. One is plantae, another one is animalia. Now, what are the features? What are the organism? Which type of organisms or characters of organism he kept under kingdom plantae? Plantae में ऐसे organisms रखे गए जिनके पास cell wall present होती है, vacuole big and central होते हैं, जो autotrophic mode of nutrition को follow करते हैं और जिनमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च प्रेजेंट होता है. देयर इज नो लोकोमोशन इन दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दिस स्लोली रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई. एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, मसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, दीज ऑल थिंग्स आर एब्सेंट इन किंगडम ऑर्गेनिज्म व्हिच आर कैप्ट इन किंगडम प्लांटी. व्हेयरएज द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर कैप्ट इन किंगडम एनिमेलिया, दे हैव एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, उनमें सेल वॉल नहीं होती, सेंट्रल वैक्यूल भी एब्सेंट होता है, यूट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल इसमें ग्लाइकोजन है, लोकोमोशन इन लोगों में प्रेजेंट होती है और जो स्ट्यूमुलस है उसके प्रति ये लोग क्या करते हैं, क्विक रिस्पॉन्स शो करते हैं. तो ऐसे एनिमल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को उसने किसमें कैटेगराइज कर दिया, किंगडम एनिमेलिया. लेकिन फिर भी इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे लिनियस क्लासिफिकेशन के. पहला ये था कि बैक्टीरिया were neither on the plant or animal, not given proper place in two kingdom classification. So bacteria ko koi proper place is two kingdom classification mein allot hi nahi ki gayi. Second, prokaryotes do not have organized nucleus, they have single envelope organization, absence of spindle apparatus, sexual reproduction, whereas eukaryote well defined nucleus, double envelope organization and sexual reproduction. जबकि यहाँ पे अगर वायरस देखे तो उसमें प्रोटोप्लाज्म ही नहीं होता, मेटाबॉलिक मशीनरीज ही नहीं होती. देयरफॉर ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी कैप्ट इनटू द इनटू वन ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे दो ही ग्रुप थे, या तो एनिमेलिया या तो प्लांटी. तो वायरस इन लोगों के साथ किस ग्रुप में डाला जाए, दैट वाज आल्सो अ डिफिकल्ट टास्क. इट इज नॉट इजी टू रिकॉग्नाइज द लोअर ऑर्गेनिज्म एज प्लांट और एनिमल. फॉर एग्जाम्पल यूगेना जो होते हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, वो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. जहाँ हम स्पॉन्जेस को देखते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और इरेगुलर शेप्स होते हैं, जैसे प्लांट होता है.
बट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. फंगी जो है वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें काइटिन की सेल वॉल होती है. अदर प्लांट्स आर मोस्टली ऑटोट्रॉपिक इन नेचर एंड सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है. लाइकेन जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है और एल्गा और फंगस से बना होता है. नाइदर रिजेंबल प्लांट नाइदर एनिमल, तो इसको भी किस ग्रुप में प्लेस किया जाए, एनिमल किंगडम में कि प्लांट किंगडम में, दैट वाज आल्सो अ डिफिकल्ट टास्क. दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल टेमाटोमोनास एंड स्पायरोगेरा आर प्लेस टूगेदर. तो फॉर ऑल दिस डिफिकल्टी ये इसकी क्या थी, सारी टू किंगडम क्लासिफिकेशन की शॉर्ट कमिंग्स थी. नेक्स्ट केम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. अर्नेस्ट हैकेल 1866 में उन्होंने दिया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन और इंस्टेड ऑफ टू ही सेड द किंगडम्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया. जो नया किंगडम बना था प्रोटिस्टा, इट इंक्लूड ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच लैक द कैपेबिलिटी ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन. दीज आर एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, स्लाइमोड्स. लेटर किंगडम प्रोटिस्टा वॉज ऑल्सो रिजर्व ओनली फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. बट ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसके भी लिमिटेशन थे. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सेपरेट नहीं करे गए. यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया. देन केम द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन. अगेन दिस फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनरा इंक्लूड कर दिया, यानी प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा के साथ साथ एक और किंगडम बना दिया गया, दैट इज कॉल्ड मोनेरा. इस तरीके से चार किंगडम क्लासिफिकेशन है. लेकिन इसमें भी क्या हुआ, कुछ ड्रॉबैक्स निकाले गए. Now we will see five kingdom classification, and five kingdom classification was proposed by R.H. Whittaker. जो R.H. Whittaker नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने five kingdom classification दिया था, and he classified organism into kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. इसके merits देख लेते हैं. तो five kingdom classification के Euglena and other transition animal have been given proper place. इसमें Euglena को एक proper place allot कर दी गई. Fungi have their own biological, physiological and structural organization. इसको भी एक अलग kingdom मिल गया. A separate kingdom Monera includes prokaryotes. Prokaryotes को भी अपने एक अलग kingdom मिल गया, जिसे हम monerans कहते हैं. इसमें सारे prokaryotic organisms डाले गए. This system show gradual evolution of early organization into plant and animal. लेकिन further इसके भी क्या हुआ, कुछ demerits हुए. क्या क्या है, lichens अभी भी proper place allowed नहीं गई. Virus and viroids are not kept in proper place. Animals, protozoans have been included in kingdom Protista, which is also जिसमें Euglena ना, जिसमें छोटे-छोटे plants groups को भी क्या कर दिया गया था, addition कर दिया गया. Then came six kingdom classification. Six kingdom classification में three domains बनाए गए. And इस domains के अंदर फिर kingdoms को distinguish किया गया. In the next video, we are going to discuss about six kingdom classification. Thank you.